ऑरियटलिज़म बाय एडवर्ड सईद देखिए उसका स्पेलिंग है सेट ऐसा लेकिन हो गया है सईद बाय एडवर्ड सईद क्वेश्चन नंबर देना है ऑरिएटलिज्मीन 1978 इज अ बुक इन प्रोज बाय एडवर्ड सईद इसका एज है 1935 टू 2003 डेट नहीं याद होकर घबराना नहीं ही इज अ पैलेस्टीनियन अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ लिटरेचर एट कोलम्बिया यूनिवर्सिटी यूएसए तो यू एस ए में यह हैपुलर वर्क इज कल्चरल इंपीरियलिज्मीक है राइटर के बारे में कुछ बता दिए अब चले आइए नाव लेटेस्ट अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ओरिएटलिज्म इसको समझ ओरिएटलिज्म क्या बोला है दिस कम दिस कम्स फ्रॉम द वर्ल्ड ऑरिएट इस सब क्या आता है विद कैपिटल लो कैपिटल लो देना है छोटी में दूसरा मीनिंग निकल जाता है ठीक है Orient means the eastern part of the world, yeah, uh, and includes countries like China, Japan, India, Pakistan, Singapore, Sri Lanka, etc., etc. बहुत सारे देश हैं जैसे वो orient ही सब Oriental means persons from China, Japan, India, Pakistan, and other countries. पन्ना उल्टा बेटा. हमारे page two में आ गए. ठीक है ये Orientalism हो गया. ये सॉरी क्या हुआ ये वेरी सॉरी ये हो गया हाँ ऑरिएटल मना हो गया ऑरिएटल मना ये सब लोग हैं अदर पार्ट ऑफ दो ऑरिएटल मना ये सब लोग हैं अब देखिए अब अभी अब टॉपिक पा रहे हैं द सेट ऑफ आइडियाज रिलेटेड टू द दरियंटल्स तो ऑरिएटल्स में लगे जो रहने वाले हैं उनके बारे में जो विचार है उसको कहते हैं ओरियंटलिज्म अब देखिए क्या क्या है तो वेस्ट मैंने यूरोप वेस्ट मैंने कौन हो गया यूरोप नॉर्थ अमेरिका एंड कैनाडा है फॉर्म रॉन्ग आइडियाज अबाउट द ईस्ट ऑरियंट तो पश्चिम के लोग हैं पूरब के लोगों के बारे में गलत धारणा कर लिए तो वेस्टर्न पीपल थिंक दैट द पीपल ऑफ द ईस्ट आर वो लोग क्या सोचते हैं पूरा वाले कैसे हैं अनसिविलाइज है जंगली है आसती लेजी है और बारबेरियंस ये वो लोग गलत सामना हुआ है बारबेरियंस ऑफ पीपल वो बिहेव बैडली कहते उनको बर्ताव ठीक से नहीं आता है एंड हैव नो रिस्पेक्ट फॉर आर्ट एजुकेशन एंड कल्चर एक्सेट्रा तो कह रहे ये लोग जो है ईस्टर्न वाले लोग हैं तो लो बिधु हैं आस्कृति हैं जंगली हैं उन लोगों को कोई क्या कहते हैं सज्जनता नहीं है बहुत गलत भावना है वेस्टर्न के लोगों में ठीक है देखिए इन डिजनी लैंड यू एस ए देर वॉज अ कार्टून दैट शोड दैट इन द ईस्ट दे कट ऑफ योर ईयर्स तो ये कार्टून था डिजनी लैंड को ये दिखाता है कि पूरब के लोग क्या कहते कानी काट लेता है इतना खतरनाक आदमी है देख रहे गलत धारणा है ये सब्पन् पे थ्री में मारे हैं थैंक यू विकास देखिए सम वाइट पीपल थिंक दैट इट इज़ देयर ड्यूटी टू एजुकेट एंड सिविलाइज द ब्लैक एंड ब्राउन पीपल तो कुछ जो गोरे लोग हैं वो सोचते हैं उन लोगों का ड्यूटी क्या है ब्लैक लोगों को और ब्राउन लोगों को उन लोगों को शिक्षा देना सभ्यता सिखाना दिस इज कॉल्ड द वाइट मैं बर्डन इसी का नाम क्या दिया गया है वाइट मैं बर्डन ये वाइट मैन का बर्डन है ड्यूटी है तो क्या ड्यूटी है कि काले लोगों को उन लोगों को, को सिखाना सभ्यता सिखाना अब देखिए रूड किपलिंग द ब्रिटिश राइटर से क्या कहता है ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट एंड नेवर द ट्वेन्स शेलमीट कहता ईस्ट ईस्ट है पूरा पूरा वह और ये दोनों ये दोनों ट्वीन में दोनों ये दोनों मिलने वाला कभी नहीं है तो ये लोग यही धारणा रखे हुए कुछ लोग दिस मीन्स दैट द टू थिंग्स आर सो डिफरेंट दैट द कैनॉट एग्जिस्ट टुगेदर एक तो अनपढ़ है एक पढ़ा हुआ है एक सभ्य है एक सभ्य है कहता इस दोनों में कभी मेल खा ही नहीं सकता है किसका कहना है किपलिंग का कहना है क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन ही है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाई हेज द वेस्ट फॉर्म सच अ बैड इंप्रेशन ऑफ द ईस्ट ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है यह गलत धारणा लोगों को क्या हुआ है क्यों हुआ दैट वेन द वाइट पीपल केम टू द ईस्ट दे सॉ कारण क्या है जब कुछ गोरे लोग जब ईस्ट में आए हमारे देश में आए तो क्या देखे दटी सिस्टम अ लिविंग विडो बर्निंग विथ हर डेड हसबैंड देखते बाप जिंदा औरत को यहाँ चला दिया जाता है हस्बैंड मरा तो औरत को भी मार दो जला दो तो ये सब देखो उनको सदमा लगा चाइल्ड मैरिज बच्चा बच्चा की शादी कराता था ये भी सदमा लगा पॉलीगमी हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम एक ही साथ कई पत्नी अरे पाप तो ये सब देखो उनको सदमा लगा और क्या है और क्या बात है कटिंग ऑफ पार्ट ऑफ द सेक्स ऑर्गन्स ऑफ अ गर्ल और वुमेन औरत का भी गुप्तांग को हल्का काट दिया जाता था उसको तो क्या कहते हैं सरकम सीजन तो ये सब देखिए उनको सदमा लगा सकते कैसा ये तो जंगली लोग सब है तो ये सब खरी बात है ठीक है ना ओ द पिक्चर स्ट्रीज देखिए अब क्या है पिक्चर बदल रहा है तो सती सिस्टम है स्टॉप सती तो बंद ही हो गया है देर इज अ लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज बस बाल विवाह पर भी कानून हो गया अब ये भी बना है अब स्वामी भी, अब देखिए स्वामी विवेकानंद गेव इज फेमस स्पीच टू द टू द एटीन नाइनटी थ्री वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड अब विवेकानंद भाषण दिए दुनिया को ही स्टार्टेड हिज स्टार्टिज स्पीच विथ और भाषण जो शुरू किया कैसे क्या कैसे शुरू किया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका ही डिड नॉट कॉपी द वेस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन वो नकल नहीं की उनका अपना स्टाइल था तो इसमें क्या होगा भारत ईस्ट का नाम एकदम रोशन हो गया विवेकानंद वॉन्टेड रिलीजियस टॉलरेंस ये क्या प्रचार किए धर्म में है तो सबका धर्म ठीक है कोई क्रिश्चन धर्म ऊंचा नहीं है हिंदू धर्म नीचा नहीं है सब बराबर है हम हिंदू लोग क्या कहते हैं किसी को क्रिश्चियन नहीं बनाते थे तो क्रिश्चियन भी किसी हिंदू को क्रिश्चियन क्रिश्चन भी हिंदू को क्रिश्चियन नहीं बनाए तो इसमें उदारता है सब धर्म ठीक है विवेकानंद वॉन्ट रिलीजियस टॉलरेंस एंड एंड टू फेनाटिसम कट्टरवाद का वो अंत चाहते थे तो ये विवेकानंद भारत का नाम ईस्ट का नाम रोशन कर दिए रवीन्द्राथ टैगोर वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचरी नाइनटीन थर्टीन फॉर गीतांजलि और टेगोर को क्या हुआ नोबेल प्राइज मिला इसी कविता लिखते थे ईस्ट के ये लोग हैं पूरब के हैं पूरा में कोई कम नहीं है कम दम नहीं है हम में वेस्टर्न सोसाइटी वॉज रूइ आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नाइनटीन फोर्टीन टू एटीन और पश्चिमी सभ्यता ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बर्बाद हो गया विध्वंस हो गया द स्प्रिंग सीजन बिकेम मोस्ट पेनफुल फॉर देम वहाँ तक कि वसंत ऋतु भी उनके लिए कष्टकर हो गया अप्रिल इज अ क्रोलिस्ट मंथ अप्रिल वसंत है सबसे कष्टदायक हुई अप्रिल वसंत ऋतु वेस्टलैंड का है इन दिस सिचुएशन टी मैसेज ऑफ होप फ्रॉम द ईस्ट और वेस्ट विध्वंस में हो गया तब इस टी एस सीलियर कहा पूरब से वो शिक्षा लाते हैं इलियट यूज बुद्धिज्म द उपनिषद एंड एंड इट विथ विदेव दत्ता दम दमयाता कंट्रोल करो तो तब संस्कृत का हम नहीं दिए लेकिन आप दे सकते हैं से देख गिव सिंपथाइज एंड कंट्री शिक्षा देते हैं कहां से ईस्ट एस, ही है शांति 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 द ग्रेट इंडियन पोएट रहीम देखिए रहीम क्या कहा है क्रिटिक्स आरा बेस्ट फ्रेंड रहीमन निंदक राखी क्रिटिक्स आलोचक ही आपके सबसे जिगरी दोस्त है और जो मक्खन लगाया सबसे बड़ा आपका दुश्मन है ठीक है वी द पीपल ऑफ द ईस्ट शुड वेलकम द क्रिटिसिजम ऑफ द बेस्ट तो कुछ तो क्रिटिसज तो घबराया जाता है भाई ये क्या स्वागत है स्वागत कीजिए आलोचना का वी शुड इम्प्रूव आर सेल्व आर सोसाइटी एन आर नेशन समझे ना हम लोग को अपने समाज को अपने को सुधारना है आलोचना से वेन वी आर स्ट्रांग एंड प्योर जब मजबूत हो जाएंगे पवित्र द वेस्ट विल कम टू अस फॉर शेल्टर एंड प्रोटेक्शन और जब हम लोग तो मजबूत हो जाएंगे तब तो पश्चिम वाले आएंगे हमारे पास आश्रय के लिए और समझौता के लिए दैट्स ऑल थैंक यू और यदि ये अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए यदि खराब लगा हो या कोई दिक्कत हो तो खबर कीजिए WhatsApp नंबर एट टू वन जीरो टू नाइन सेवन थ्री टू रिटायर्ड प्रोफेसर वी के मिश्रा और ये एट फोर थ्री फोर टू नाइन वन सिक्स सिक्स फोर ये विकास का है थैंक यू विकास आज आ गए तो हम लूटिंग कर पाए विकास बिना लूटिंग नहीं हो पाता है टी पेशेंट खेतर को जो मदद करते हैं उनके रिक्वेस्ट को हम लोग प्राथमिकता देते हैं अभी हम दे दे भी रहे हैं आर्थिक मदद इस नंबर पर करें फोन पे गूगल पे पेटीएम एट फोर थ्री फोर टू नाइन वन सिक्स सिक्स फोर वी की प्रायोरिटी टू दो स्टूडेंट्स वो हेल्प आर टी पेशेंट खेतन नंबर के बिलोर दैट्स ऑल थैंक यू अब दूसरा